नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। दिल्ली कांग्रेस में उठे विद्रोह की चिंगारी बुझने के बजाय अब और भड़कती जा रही है। हर रोज असंतुष्टों का खेमा और लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसमें कई पूर्व विधायक, पूर्व महापौर, पूर्व उप महापौर और पूर्व पार्षद भी जुड़ गए हैं। सोमवार को ये सब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली से मिलने पहुंचे। सभी असंतुष्ट नेताओं ने लवली को बताया कि इस समय सदस्यता अभियान चल रहा है जो संगठन चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है, ऐसे में अभी कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती। बावजूद इसके ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए बिना सलाह मशवरा किए। ब्लॉक अध्यक्षों की इस सूची में काफी नाम उन लोगों के भी हैं जिन्होंने न तो सदस्य बनाए हैं और न ही एनरोलर हैं। ऐसे ऐसे लोगों को ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया है जो पार्टी से छोड़कर जा चुके हैं। इस दौरान दिल्ली कांग्रेस के मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की गई। सभी असंतुष्टों का कहना था कि पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कार्यकर्ता पूरी मेहनत से संगठन को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसी की अनदेखी की जा रही है। उपेक्षा के कारण ही पुराने नेता पार्टी को छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। इन सारी स्थितियों के मद्देनजर असंतुष्टों ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग भी पुरजोर तरीके से उठानी शुरू कर दी है। केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य अरविंदर सिंह लवली ने बताया कि दिल्ली कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता मिलने आए। इन सभी की शिकायत जायज थी। उन्हें शिकायत और मांग को ऊपर तक लेकर जाया जाएगा। पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। तो कांग्रेस में हर ओर असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस में अब उठापटक चल रही है, सियासी उठापटक। आप किसी भी राज्य में देखिए, कांग्रेस इस समय विद्रोह की आग से जूझ रही है। हर ओर विद्रोह कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। और इसी बीच अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी विद्रोह की आग उठी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि सभी असंतुष्ट नेताओं ने AICC की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि संगठन में जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है वो चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है और ऐसे में कोई भी नियुक्ति नहीं की जा सकती। तो कांग्रेस में लगातार विद्रोह की आग उठ रही है, इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आशुतोष शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं और सीके ठाकुर जी नेता कांग्रेस के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले ठाकुर साहब, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए लगातार कांग्रेस में विद्रोह की आग उठने लगी है और कांग्रेस अब मंथन की जरूरत, हम शुरुआत से कह रहे हैं कि कांग्रेस को मंथन की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए दिल्ली में किस तरीके की स्थितियां बनी। जब खुद आपके पूर्व जो मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव संगठन की प्रक्रिया है और इसी के मद्देनजर अभी कोई भी नियुक्तियां नहीं की जा सकती है, बावजूद इसके नियुक्तियां की गई। लेकिन अब किस परिस्थिति में क्या उसको तो जांच का विषय है। अभी आपने कहा कि अरविंदर सिंह लवली साहब जो AHP के CEC के मेंबर हैं, तो वो इस बात को आगे बढ़ाएंगे जांच के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से यदि वहाँ ब्लॉक के प्रेसिडेंट नहीं हैं, पंचायत प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, तो वहाँ पे सदस्यता अभियान के लिए जरूरी होता है कि वहाँ एक अध्यक्ष को तत्काल से नियुक्त किया जाता है। तो शायद वो प्रक्रिया हुई होगी जिससे लोगों को लगा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब कुछ देखिए, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया है और चुनाव भी होना है संगठन का, सदस्यता अभियान तेज है, संगठन जितने भी कुछ कुछ आ जाते हैं निकल करके, कुछ खामियां निकल के आई थी तो ठीक किया जाएगा। सब पे अभी चल रहा है, बहस चल रहा है, जांच का विषय है, सब हो रहा है, तो संगठन के अंदर दुरुस्त हो जाएगा। बस मुझे लगता है कि 15 दिन और रह गया है ये सदस्यता अभियान, उसके बाद फिर सब कुछ जब संगठन चुनाव होगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन
कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग हमारे साथ हैं, आप चिंता जाहिर करें संगठन के लिए, ये मेरे लिए अच्छी बात और बड़ी बात है। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप अपने माध्यम से इस खामियों को दूर करने का प्रयास करवा रहे हैं हम लोग के बीच। हम आपके आपको धन्यवाद का पात्र मान रहे हैं मुल्तान जी। ठीक है, चलिए। सर्वेश्वर पाठक जी भी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। बहुत स्वागत है पाठक साहब आपके एनबी न्यूज पर। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले आशुतोष जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल कांग्रेस में जिस तरीके से हम लगातार शुरुआत से ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को मंथन की जरूरत है, लेकिन शायद इस बातों पर कांग्रेस का ध्यान नहीं जा रहा। मुस्तान जी, कांग्रेस भारतीय सबसे प्राचीन पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में अभी तक परिवारवाद चला आ रहा है। परिवारवाद जब तक इससे मुक्ति नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी का उद्धार नहीं हो सकता। मैं देख रहा हूँ कि निरंतर विधायकों में, कांग्रेस सदस्यों में असंतुष्ट भावना बढ़ती जा रही है और कांग्रेस से अलग होते जा रहे हैं। कांग्रेस को बैठ करके शीर्ष स्तर, उसके जो प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनको बैठ के चिंतन मनन करना चाहिए और पार्टी को। आप दूसरा डालते जाएंगे, बीमारी उतनी बढ़ती जाएगी। कहते मर्ज बढ़ता गया, जिनकी दवा ना थी। अब कांग्रेस के इलाज तो कुछ कर नहीं रही है, चीज को टालती जा रही है। जनता में बेसब्री, जो कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य पुराने सदस्य, बड़ी बेचैनी बढ़ती जा रही है कि अब नहीं तो कब होगा। जीवन का जिन्होंने एक महत्वपूर्ण अंश जो है कांग्रेस पार्टी के साथ लगाया और कांग्रेस को अभी तक खींचा, अब वो इसको ज्यादा सहन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं चिंगारी उनमें रड़क चुकी है और चिंगारी की आग तेजी से फैलती जा रही है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को इससे कुछ परिणाम भुगतने पड़ेंगे और जल्द से जल्द फैसले। आने वाले समय में पार्टी को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे, आशुतोष जी ने यह कहा है। पाठक साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कांग्रेस को वही बात है कि शुरुआत से मंथन के लिए कह रहे हैं और अब संगठन में चुनाव प्रक्रिया चल रही है कांग्रेस में। हालांकि अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है, अंतरिम अध्यक्ष अभी तक हमें पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। दूसरी ओर दिल्ली में अभी जिस तरीके से देखा गया कि नियुक्तियां इस समय नहीं होनी थी, बावजूद इसके ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई, अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई। देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस डिबेट में जोड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी जी कब से बनी हुई है? देखिए 1998 में वो पहली बार कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट बनी थी। राजीव गांधी जी की मृत्यु के 7 साल पश्चात उन्होंने कांग्रेस का कमान संभाला। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे प्रदर्शन भी किए, यूपीए का गवर्नमेंट, यूपीए 1-2 भी रहा, राज्यों में भी चुनाव हुए, वहां भी जीत हासिल की थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन आप ये देख लीजिए, दूसरी बड़ी पार्टी विपक्षी पार्टी बीजेपी है, 1998 से लेके आज 2022 है, उसमें उसके कितने पार्टी प्रेसिडेंट बदल गए। उस समय के दौर में देख लीजिए, जेना कृष्णमूर्ति थे, बंगारू लक्ष्मण जी हो गए, उसके बाद राजनाथ सिंह जी हो गए, फिर नितिन गडकरी जी हो गए, फिर उसके बाद आपका ये अमित शाह जी हो गए, अब जेपी नड्डा जी कमान संभाल रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में 1998 के बाद सोनिया गांधी जी रही और उसके बाद राहुल गांधी जी कुछ समय के लिए। और ये तमाम हर बार देखिए, G23 का भी एक अलग मुद्दा है। अभी जब फिर से 4-5 राज्यों में डिबेकल जो हुआ कांग्रेस का, फिर से यह मुद्दा उठा और सोनिया गांधी जी से गुलाम नबी आजाद जी की बात हुई, बाकी के G23 के जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी भी बातचीत हुई। लेकिन बातचीत वहीं पे अटक जा रही है, वो मतलब पार्टी का जो नेतृत्व है वो गांधी परिवार के पास ही रहेगा। तो असंतुष्ट जो नेता लोग हैं उनको सुनने में पार्टी दिलचस्पी ही नहीं दिखा रही है कि आखिर उनकी क्या समस्या है। राजस्थान में भी सचिन पायलट गहलोत के बीच में अनबन रहती है, लेकिन अभी संभव गवर्नमेंट चल रही है। छत्तीसगढ़ जो मतलब ये जो दो राज्य, बड़े राज्य आप कह लें, जहां कांग्रेस पार्टी अभी विद्यमान है, वहां भी मुख्यमंत्री और जो TS देव सिंह जी हैं उनमें भी बनी रहती है। तो आखिर क्यों ये ग्रांड ओल्ड पार्टी, जिसकी जो मतलब मजबूती बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक से थी,
उसमें ये डिबेकल आया, और इसका सबसे बड़ा कारण है पार्टी की खुद की जो पॉलिसी है परिवार की ओर सिमट के रह जाना, वही सबसे बड़ा है। देखिए कांग्रेस पार्टी में क्या पढ़े लिखे और विद्वान नेताओं की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी रही है शुरू से, बड़े बड़े लोग अच्छे खासे इंटेलेक्चुअल्स लोग उस पार्टी से जुड़े थे और जुड़े हुए हैं, देश के नामी गिरामी वकील कपिल सिब्बल से लेके अभिषेक मनु सिंघवी ले लीजिए, पी चिदम्बरम भी तो मतलब उसी बैकग्राउंड से आते हैं, शशि थरूर जैसे आदमी को देख लीजिए। फिर आप पार्टी प्रेसिडेंटशिप अपने पास रखोगे, राज्यों की जो यूनिट है उसकी बातें नहीं सुनोगे, जो हाई कमांड ऑर्डर देगा वही फॉलो होगा। कांग्रेस पंजाब में उसका डिबेकल हमने देख लिया, अमरिंदर सिंह के पास गवर्नमेंट अगर रहता, सरकार रहता, तो पंजाब कांग्रेस के हाथ से नहीं जाने वाला था, चाहे जो भी हो जाता। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी नहीं आ पाती। अमरिंदर सिंह, भले आप अभी कहोगे कि अमरिंदर सिंह ने तो अपनी भी सीट नहीं बचा पाए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किसान आंदोलन को हवा दी, किसानों को दिल्ली बॉर्डर बीजेपी को घेरने के लिए भेजा, लेकिन सब निरर्थक साबित हुआ। तो कांग्रेस को नहीं, मतलब जो परिवार है उसको गहन चिंतन की जरूरत है। आजकल तो आप देखिए मीडिया में ये उड़ती उड़ती खबर भी आ रही है कि जो बाडरा साहब है वो कह रहे हैं कि अगर पार्टी मुझे मौका दे तो मैं मतलब पार्टी में अपना योगदान देने को तैयार हूं। तो अब कहीं ना कहीं जो युवराज का था उनका बंटाधार हो रहा है, राहुल गांधी जी उस तरीके से सक्षम नहीं दिख रहे हैं, और इस बात को परिवार को स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए तो बात एक बार फिर से कांग्रेस की कर लेते हैं, जो तरीके से कांग्रेस में लगातार अंतर्कलह है बढ़ती जा रही है उसी पर चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। ठाकुर साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी, दोनों ही हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने एक बात आपके लिए कही कि अगर कांग्रेस मंथन करे तो शायद कांग्रेस एक बार फिर से उभर सकती है, लेकिन लगातार मंथन की बात हम भी लगातार कह रहे हैं आपको, लेकिन कांग्रेस इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। अभी दिल्ली में देख लीजिए, उससे पहले आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, उत्तराखंड में भी कांग्रेस का यही हाल है। अरे मुस्कान जी, पांच राज्यों में अपना अस्तित्व खो चुकी है कांग्रेस। मैं आ रही हूँ आशुतोष जी आपके पास। जी ठाकुर साहब, या और भी जितने लोग आए उनका अध्यक्ष बदलते रहे, लेकिन कांग्रेस में वहीं के वहीं रह गई। सही कहा इन्होंने, निश्चित रूप से मुझे लगता है परमेश्वर पाठक जी की बात इस बार जो कह रहे हैं वो सुनी जाएगी, और कहीं ना कहीं एक अच्छे उम्मीद है कि एक अच्छे अध्यक्ष आएंगे और फिर से कांग्रेस को जरूरत दो महीने तीन महीने का इंतजार है। सुनते ही तो नहीं है, अभी कुछ ही समय पहले मौका था आपके पास, उस समय अध्यक्ष बदला जा सकता था, लेकिन पार्टी के नेताओं ने क्या किया, फिर से सोनिया गांधी। एक बार पार्टी से बाहर निकल कर तो देखिए, गांधी परिवार से बाहर निकल कर देखिए कांग्रेस क्या हाल होता है कांग्रेस का। नहीं ऐसा होगा मुस्कान जी, मैं आपको पहले भी बताया हूँ, अभी भी होने वाला है ऐसा। आप दो तीन महीने बाद जब सांगठनिक प्रक्रिया चल रही है उसके बाद देखिएगा कि अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी जी ने UPA 2 UPA 1 बहुत कुछ दिया इन्होंने, लेकिन अब जो नए आएंगे वो भी अच्छा करने वाले हैं और अच्छा होगा, ये निश्चित रूप से आपकी बात सुनी जा रही है। और सर्वेश्वर भाई ने कहा तो ये एक अच्छे पत्रकार हैं, एक अच्छे विश्लेषक हैं, तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इनकी बातों का भी ध्यान रख रहा है कि जो देश है, इस देश का लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र है, और जब प्रजातंत्र में विपक्ष जब स्ट्रांग होता है तभी प्रजातंत्र भी स्ट्रांग होता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस इस पर विचार कर रही है, दो तीन महीने बाद आपको एक अच्छा परिणाम दिखेगा। जो पब्लिक का डिमांड है, जो देश का डिमांड, वो पूरा होने वाला है मुस्कान जी। चलिए, देश की डिमांड पूरी होने वाली है, देश के नहीं है, कांग्रेस की मांग है। कांग्रेस में खुद जो असंतुष्ट नेता है उनकी भी मांग है कि एक बार फिर से गांधी परिवार से बाहर एक बार अध्यक्ष बनाकर देखा जाए। आशुतोष जी, तुम्हें बदलाव होगा, लेकिन बदलाव कब होगा सवाल में तो ये नहीं समझ पा रहा। पांच राज्यों में अपनी सरकार खो चुके, अपना अस्तित्व खो चुके, बदलाव होगा तो शीघ्री कोई समय सीमा तो तय करें कि इतने टाइम में बदलाव हो जाएगा। पंजाब में इन्होंने पूरा अपना खो दिया, अमरिंदर सिंह एक अच्छे नेता से कांग्रेस की बागडोर संभाल करके अच्छे रूप से पंजाब को चला रहे थे, उन्हीं के हाथ से बागडोर रहती
तो शायद कांग्रेस का वहां से सिस्टम ना हो पाता। आप पार्टी क्योंकि अभी दिल्ली से निकल करके पंजाब में पूरा बहुमत से लड़ी, आपको देखिए यूपी से प्रभारी जो थे कांग्रेस के प्रभारी यूपी में इलेक्शन हारे, उनको हटा दिया गया, लेकिन जो केंद्र सरकार केंद्र में बैठे हुए वो है कर्ता, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। प्रियंका गांधी ने उनको अपॉइंट करा, प्रियंका गांधी को कोई एक्शन नहीं है, लेकिन जो यूपी में अलग अलग राज्यों के प्रभारी थे उनको हटा दिया गया। और ये बात तो कोई नई नहीं कह रहे कि स्पष्टी के परिवर्तन होगा, सीट परिवर्तन तो कोई समय सीमा होगी, आप सब कुछ लुटा के होश में आएंगे तो क्या परिवर्तन का क्या फायदा होगा। बड़े अच्छे अच्छे नेता आपके पास सद्दावत देता है जिन्होंने जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कांग्रेस पार्टी को दिया और उन्होंने बहुत मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को अभी तक जिंदा रखा है। एक किसी भी अच्छे लोकतंत्र के लिए एक अच्छी मजबूत अपोजिशन पार्टी का होना बहुत जरूरी है, और मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस में शीघ्र से शीघ्र बदलाव आए और जो योग्य नेता है उनको इसकी भागदोष मानी जाए, जिससे कि कांग्रेस एक सदन में लोकसभा में और राज्य में भी अपना अच्छा बहुमत लाकर अच्छी संख्या में सदस्यों को ला करके एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा पाए। लेकिन अभी तक कुछ ऐसे नहीं हो रहा, परिवारवाद से उभर नहीं पा रही कांग्रेस पार्टी। मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्या है कि परिवार को छोड़ने की तैयार नहीं पाए, चिंतन मनन करनी चाहिए। ठीक है, लुटा देखे रुपया डुबो दिए इन्होंने, इसको क्या नहीं। ठीक है पाठक साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए अभी पांच राज्यों के चुनावों की बात कर रहे थे आशुतोष जी, उसमें तो कांग्रेस ने पूरे तरीके से अपना हाथ धो दिया है, लेकिन अगर बात करें अगले चुनावों की तो हिमाचल में भी अभी चुनाव है, गुजरात में भी होने हैं और कई राज्यों में अभी और चुनाव होने हैं, वहां पर भी कांग्रेस को ज्यादा सक्रिय दिख नहीं रही है। अगर कांग्रेस अभी से सक्रिय हो तो शायद कोई स्थिति सुधर सकती है कांग्रेस की। और देखिए मुस्कान जी, इन राज्यों में भी जैसे हिमाचल हो गया, वहाँ कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, आपका गुजरात में भी वही हाल है, कर्नाटक हो गया, कर्नाटक में भी मतलब कुछ दिनों में चुनाव भी हुए हैं, तो वहां भी कांग्रेस विपक्षी पार्टी जेडीयू के साथ आई थी। तो कांग्रेस को नए सिरे से सोचने की जरूरत है। मैंने कहा ना कि ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी है बीजेपी, अब देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उसके लेवल मतलब बूथ लेवल के कार्यकर्ता और मतलब जो सबसे निचले स्तर से कहिए वहां के कार्यकर्ता अब बने हैं पिछले 10 सालों में। कांग्रेस के कब से हैं, कांग्रेस की पहुंच कहां नहीं थी, पूरे भारत वर्ष में कांग्रेस की पहुंच थी, लेकिन उस चीज को दरकिनार करके आप एक पार्टी मतलब एक परिवार विशेष पार्टी बना दिए, तो ये डिबेकल तो मुश्किल है ना। अब हिमाचल में अगर कांग्रेस अभी से शुरुआत करे, इनका ध्यान क्या रहता है, अभी देखिए हाल ही में आपने हमने सबने सुना होगा राहुल गांधी जी ने मतलब खुलेआम बोला था कि मैंने मायावती जी को बोला कि आओ हमसे गठबंधन करो, लेकिन देखिए मायावती जी खुद खत्म हो गई यूपी से, लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी में उतनी वोट दिखी नहीं संभावना जो उनके साथ गठबंधन में आ जाए। क्यों नहीं देखिए, क्योंकि यूपी के दो लड़के एक बार एक्सपेरिमेंट कर चुके थे यूपी में, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो कांग्रेस का जो जनाधार है दिन ब दिन गिरता जा रहा है अभी देखिए, और उसके मूलभूत कारण एक ही नहीं है, जिस तरीके से पार्टी ने भारत पर इसके आजाद होने के बाद राज किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको कहा जाता है आधुनिक भारत का निर्माता, लेकिन उनसे भी आधुनिक भारत के निर्माण किया लेकिन उसमें कुछ गलतियां हुई या उसके बाद पार्टी आती रही, जो जो भी गलतियां रही वो सब मिलके पार्टी की दुर्गति का हाल ये आया। अभी देखिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के बड़े नेता है, उनको ईडी ने क्वेश्चन के लिए बुलाया है, यंग इंडिया केस, आप इस पे अपना एक प्राइम टाइम डिबेट लेके आइए मुस्कान जी, चंद्रशेखर जी को बोलिएगा नाइट में डिबेट में रखे इस बात को। यंग इंडिया केस जो है नेशनल हेराल्ड करके पेपर है, उसमें 450 करोड़ रुपए की 400 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का मामला है, और उसी मामले में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी बेल पे हैं, और उसी मामले से रिलेटेड में आज के समाचार पत्रों में फ्रंट पे छपा है ये।
माननीय खड़गे जी को ईडी ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, तो आप समझ सकती हैं कि पार्टी राज किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का निर्माण किया, लेकिन भ्रष्टाचार की जो नींव है वहीं से चली आ रही और वो इनका पीछा नहीं छोड़ रही है। और ये जो यंग इंडिया का केस है, इसमें माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। उनका अपना एक चैनल है और वो हर एक संडे को डिस्कशन होता है। अभी इस संडे को भी इन डिस्कशन में पूरी परत दर परत की क्या है ये केस और क्या डेवलपमेंट हुई है इसमें उन्होंने खोल के बताया। तो कांग्रेस पार्टी को संभावना तो छोड़िए, मतलब प्रॉब्लम्स इतनी है जो इन्होंने पास्ट में किए। और ये जो यंग इंडिया का केस है, जानती है कब हुआ है? जब यूपीए 1 और 2 था, 2011-12 का केस है ये। जब वो असेट्स ट्रांसफर कर दिए गए ट्रस्ट का असेट सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नाम पे, और उसी के कारण आज नकल अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, बीजेपी की भी सरकार है, पता नहीं अंदर खाने क्या सेटिंग्स है, नहीं है, नहीं तो इसके मामले में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जेल में होंगे बंद। लेकिन बीजेपी को भी देखिए उस जोर शोर से इस बातों को नहीं उठा रही है। तो कांग्रेस को अब समझना पड़ेगा, अगर इसको फिर से निर्माण करना है कांग्रेस का, तो नए सिरे से ही, जो मैंने कहा ना कि बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता इनके पास थे, कांग्रेस हिमाचल में, आखिर हिमाचल में जो समस्या है, देखिए एंटी इनकम्बेंसी हर गवर्नमेंट के साथ होती है, बीजेपी के गवर्नमेंट के साथ भी हिमाचल में होगी, लेकिन उसको भुनाने में वो नाकाम रहेगी क्योंकि वहां पे आपसी गुटबाजी भी होगी, जैसा कि हमने लास्ट समय तक उत्तराखंड में देखा था। वही चीज आप देखिए कांग्रेस का, उन नेताओं को इन्होंने शामिल किया जो उपद्रवी होते हैं। बिल्कुल, कन्हैया कुमार को शामिल कर लिया, उधर गुजरात में पटेल, क्या नाम है, हार्दिक पटेल, उस पटेल को शामिल कर लिया, जिग्नेश मेवाणी को शामिल कर लिया, जिनकी जो विचारधारा है एक उपद्रवी की विचारधारा है। आप देखिए बीजेपी भी चुनाव हारी की नहीं हारी, झारखंड का चुनाव हार गई थी, हारी की नहीं हारी है बीजेपी, और वहां पे कौन आया, फिर वही मधु खोड़ा और ये कांग्रेस और जो भी हो ये सब आए हैं, और वो कितने भ्रष्टाचारी है। उन्होंने मधु कोड़ा कहते हैं माफ करिएगा शिबू सोरेन के जो बेटे हैं हेमंत सोरेन, वो अभी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक खाद्यान्न को अपने नाम पे कर लिया है, सोचिए आवंटन करके। तो कांग्रेस ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन करती है, ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करती है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है, तो पार्टी का दुर्गति होना तो तय है। और रही बात जो आने वाले राज्यों में चुनाव है, वहां भी इनका कोई मतलब ये दिखता नहीं है कि ये कभी कमबैक कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है पाठक साहब, जिस तरीके से बताया आपने, मैं ठाकुर साहब इसी पर आपके साथ आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से पाठक साहब ने आपके तमाम खामियों को बता दिया है। जरा आप भी आंकलन करके बता दिए, इतने लंबा समय हो गया है आपको भी कांग्रेस में, क्या आपको वाकई कोई कमियां नहीं लगी क्या संगठन में? देखिए संगठन की बात पाठक साहब बातों पर कह रहे थे, बात करते और फिर हेमंत सोरेन की कह रहे थे, ये सब सुनी सुनाई बातें, इसमें कहीं तथ्य नहीं है। हेमंत सोरेन जी ने अपने नाम से कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ पाठक साहब, यंग इंडिया का केस है वो सत्य। खड़गे जी को ईडी ने बुलाया है और आप उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते रहे जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है, भारत के टुकड़े होंगे उसके नारा लगाने वाले को आप अपनी पार्टी में जगह देते हो। जो लेफ्ट पार्टी से वो बंदा 2 बार टिकट में चुनाव हार गया बीजेपी ने और गिरिराज जी ने उसे अच्छी पटकनी दी और उस पार्टी को आप अपने में शामिल कर रहे हो पाठक साहब, ये तो ठीक है, जो देशद्रोही जिन पर मुकदमे हैं उनको तो पार्टी में शामिल किया वो अलग बात है। अभी मध्य प्रदेश का जिक्र ले लीजिए, खरगोन में जिस तरीके से हिंसा हुई रामनवमी के दिन, उसमें जब बुलडोजर चला, जिन पर जिन्होंने हिंसा की उनके घर पर जब सीएम ने बुलडोजर चलाया तो कांग्रेस उसका विरोध कर रही है और कांग्रेस अब ये कह रही है कि आपको बुलडोजर की कार्रवाई इस तरीके से शक्ल देखकर नहीं करनी चाहिए थी।
और मुस्कान जी उसको तो छोड़िए, ठीक है, मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन है, सरकार वहाँ एक्शन ले रही है, राजस्थान में जो खरौली में हुआ वहाँ क्या है? बिल्कुल, वहाँ पे अगर वहाँ पे हिंदू नब्बर्स, वहाँ पे हिंदू नब्बर्स था और वो भारत का मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सबके लिए है, क्योंकि वो भारत वर्ष का नब्बर्स है, वो केवल हिंदू का तो नहीं है, भारत का नब्बर्स का, वो भारत वर्ष में जो भी रहते हैं वो हिंदू ही कल्चर रीति रिवाज से उठे हैं, और उस नब्बर्स के जो जुलिस जा रहे थे उस पर मुसलमानों ने पथराव किया, वहां पे दंगाइयों पे कार्रवाई करने के बेहतर वहां पे कुछ नहीं की राजस्थान सरकार ने, जहाँ उनकी सरकार है, तो उनकी जवाब दे दें इन सवालों का पाठक साहब के। जी जी, मैं वही कह रहा था कि मुकुल राय जी बहुत बड़े घोटालेबाज थे ममता जी के राज्य में, इसलिए मरी आवाज से मत बोलिए, कांग्रेस का पक्ष रखी जाए, खुल करके बोलिए आप जी, मैं आपको ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ, थोड़ा तेज बोलिए। अच्छा अच्छा, मैं वही कह रहा था कि मुकुल राय जी ममता बनर्जी के पार्टी में थे और बड़ा घोटाला में फंस गए थे, लेकिन कांग्रेस वहाँ भारतीय जनता पार्टी में जाते उनका सब कुछ खत्म हो गया था, और बीजेपी में जो जो गए हैं कांग्रेस से जाए चाहे जहाँ भी जाए, जिनको लोगों ने घोटालेबाज साबित किया था दूसरी पार्टी से, वो सब वहाँ से उनके पाप धुल गए, ऐसा नहीं है पाठक साहब। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस हेमंत सोरेन का एलिगेशन उन लोगों ने लगाया था वो किसी एक आदमी की साजिश थी, कि हेमंत सोरेन ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए एक फैक्ट्री का उन्होंने एक माइंस अपने लिया, वहाँ हेमंत सोरेन का नाम लिख करके कोई पत्रकार जो घटिया पत्रकारिता करते हैं उन्होंने ऐसा करके किया था, वो सब कुछ दिखा, तो ऐसा नहीं है। मधु कोरा जी पर जिस पर एलिगेशन लगा रहे हैं, उनके साथ काम करने वाले मंत्री ये तो जेल गए, हरिनारायण राय या जो भी थे, लेकिन मधु कोरा जी बिल्कुल क्लीन स्वीप, वो पाक साफ निकले, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आज रघुवर दास जी जेल जाते ही नहीं है, एक भ्रष्टाचारी लालू यादव जेल गया है, लेकिन उसको भी देखिए कितने तिरकम लगा के वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, अभी वो पेरोल पे आए हुए थे, वो भी हेल्थ ग्राउंड पे, और चुनावी प्रक्रिया में एक्टिव हो गए, तो भारत वर्ष की यही सबसे बड़ी विडंबना है। आपका कहना ये सही है जो मुकुल राय वाली बात बोली कि बीजेपी में आने पे उनके पाप धुल जाते हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन बीजेपी फिर भी आपसे बहुत बहुत अच्छी है, ऐसे लोगों को नहीं शामिल करते जिससे राजद्रोह देशद्रोह, आपके जितिन प्रसाद की जो छवि अच्छी थी जो यूपी उसमें बीजेपी में शामिल हुए, वो तो कोई भ्रष्टाचारी की छवि नहीं है उनकी, हर कोई भ्रष्टाचारी ऐसे मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देख लीजिए, जो भी आपकी पार्टी छोड़ के गए आपके किस कारण, आपके नियमों के कारण, जो हाईकमान के जो रवैया था उनके कारण, और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या स्टेचर है बीजेपी में आप देख लीजिए। बिल्कुल ठीक है पाठक साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास, आज मैं ठाकुर साहब आपके पास जाऊंगी, आशुतोष जी आपके पास फिलहाल मैं आना चाहूंगी। हर राज्य का अगर जिक्र करें, जिस तरीके से पाठक साहब ने अभी तमाम बड़े नाम गिनाए, जितिन प्रसाद है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, और भी ऐसे कई नेता है जो कांग्रेस को छोड़कर सीधा बीजेपी में गए हैं, अरपिन सिंह की बात ले लीजिए। अब देखिए उत्तराखंड की अगर बात करें तो प्रीतम सिंह को संभाल पाने में कांग्रेस पूरे तरीके से नाकामयाब साबित हो रही है, उनको बनाया जाना था नेता प्रतिपक्ष लेकिन नहीं बनाया गया, तीन जो बड़े पद थे वो कुमाऊं मंडल से दिए गए और गढ़वाल मंडल से नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो नाराज चल रहे हैं। सचिन पायलट का हम वैसे ही लगातार देखते जा रहे हैं, वो भी काफी अच्छे नेता हैं कांग्रेस में, लेकिन वो भी इसी तरीके से कांग्रेस से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात ले लें तो वहां पर भी टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल में लगातार उनके बीच में खींचतान जारी है। कांग्रेस आखिर कहाँ पर स्टैंड कर रही है इस समय समझ पाना ही मुश्किल है। आशुतोष जी, कि जब तक आप परिवारवाद से बाहर नहीं निकलेंगे, कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व ऑलमोस्ट खो चुकी है, बाकी जो रही सही जुटी है उसको भी डुबो देंगे, और ज्यादा चलने वाली पार्टी नहीं है। काफी समय से हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि इसमें शीघ्र उस पर नेतृत्व में बदलाव जल्दी आएगा, लेकिन वो कब आएगा? जनता में बेचैनी, सदस्यों में बड़ी बेचैनी पड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी के सदस्य छोड़ छोड़ के दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, और जनता आज की तारीख में देख रही कांग्रेस के शीर्ष उस पर काफी लोग जो भ्रष्टाचार के आरोप में सोनिया गांधी राहुल गांधी पे आरोप लगाए गए। अभी मेरे सदस्य पैनलिस्ट बोल रहे थे कि राहुल गांधी ने कहा मायावती से कि आप शायद चुनाव लड़िए, और मायावती ने उस पर जभी की जभी खंडन किया रहा कि मेरी राहुल गांधी से ऐसी कोई बातचीत नहीं, झूठ पे झूठ बोल आकर जनता को आप तब तक दिग्भ्रमित करते रहेंगे। जनता बहुत समझदार है,
आज की तारीख में सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहे हैं, बात बड़ी जल्दी जनता तक पहुंचती है। जो भी कोई कांग्रेस का प्रवक्ता अगर कोई बयानबाजी करता है तो उसमें तथ्य में कुछ ज्ञान होने की ये नहीं बेचने से आपने कोई भी बयान दे दिया और उसका दूसरी बार दूसरे व्यक्ति पर खंडन कर रहा है। अभी तक मैंने कोई ऐसी गंभीर ऐसी कोई घोषणा उनसे नहीं सुनी कि जो कथनी और करनी में वो हो। राहुल गांधी के मन में जो आता है जो मुझे कह देते हैं, कहीं पर कुछ कहते हैं कहीं कुछ कहते हैं, तो समझ के कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी है, उनका अस्तित्व बना के रखें, तो थोड़ा सा मंथन चिंतन करें बैठ करके और कुर्सी से लगाव को कुछ टाइम के लिए छोड़ करके देखें कि कांग्रेस पार्टी में कितना अच्छा बदलाव आता है और कांग्रेस पार्टी कितनी सकारात्मक रूप से उभर करके आती है और देश में एक विरोधी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लोकसभा और राज्यसभा में अच्छा प्रदर्शन कर सके। हम सब यही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने नेतृत्व में बदलाव करे। ये कहते रहने की करेंगे इसमें कोई अब लोगों की जो पेशेंस है वो खत्म हो चुकी है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग लवली जी से जाकर के बात कर रहे हैं और दूसरे आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपको इस तरह से भ्रमित करते रहेंगे। मुझे ये बता दें, डेडलाइन बता दीजिए, 6 महीने 10 दिन 15 दिन महीने में आप बदलाव लाना चाहते हैं। हमने पांचों राज्यों के अभी चुनाव देखे हैं, पांचों राज्यों में बहुत पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को शिकस्त मिली, हर राज्य के प्रभारी को उधर से हटा देंगे, लेकिन जिस व्यक्ति ने इन प्रभारियों को नियुक्त किया था उसको कोई एक्शन नहीं हो, वो आज भी वहीं का वहीं बैठा हुआ है। तो एक जो सत्ता है जो कांग्रेस पार्टी की जो सत्ता वो एक व्यक्ति के पास संकुचित होकर के रह गई है, जिसको कि कांग्रेस के जो सदस्य लोग हैं उसको अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। स्तर पे लोगों ने लोहे दिया है, लेकिन आप नीचे स्तर पे भी लोग थोड़ा अनरेस्ट बड़ी बेचैनी महसूस कर रहे हैं और आप मेरे ख्याल से ज्यादा सोनिया गांधी इस उसको ज्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाएंगी। अच्छा समय है कि वो ग्रेसफुली एग्जिट करके किसी दूसरे वरिष्ठ सदस्य को कांग्रेस की बागडोर संभाले और कांग्रेस का जो नेतृत्व करे। 5 साल के लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, 130-135 साल आपने कांग्रेस पार्टी को चलाया है, परिवारवाद बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखिए, अखिलेश यादव भी परिवारवाद से जूझ रहे थे, उन्होंने भी परिवार के सदस्य को हट करके टिकटों का आवंटन करा और अभी कल ही उनका आजम खान का भी बयान आया कि उनका भी कैरियर चौपट कर दिया, उन्होंने भी उसके लिए कुछ नहीं करा। तो हर सदस्य चाहता है कुछ सकारात्मक काम हो, उनकी राज्य के देश की राजनीति में कुछ सकारात्मक भूमिका हो और अगर पक्ष में है तो ठीक है और अपोजिशन में है तो उनको एक अच्छी भूमिका निभाने का अवसर मिलना चाहिए, जो कि कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ वर्षों से अपनी जो मजबूत पकड़ती है सशक्त पार्टी के रूप में थी देश की देश स्तर पे, वो अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोती जा रही है और मुझे लगता है आने वाले कुछ ही समय में अपना अस्तित्व बिल्कुल ही समाप्त कर देगी। कारण आप क्या समझते हैं आशुतोष जी इसका, जिस तरीके से कांग्रेस पहले क्योंकि सबसे पुरानी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस कही जाती है, धीरे धीरे जिस तरीके से अब एकदम किनारे हो गई है कांग्रेस, कोई भी कांग्रेस का अगर हम देश में विकल्प देखें तो कांग्रेस को कोई विकल्प के तौर पर देख भी नहीं रहा इस समय, कारण आप क्या समझते हैं इसका? मुस्कान जी कारण देखा करूं मैं लाइव हूं हेलो 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 मुस्कान, आवाज आपको आशुतोष जी मिल पा रही है? कुछ डिस्टेंस आ रही है मुस्कान जी, कुछ ठीक है, इस तकनीकी खामी को दूर करेंगे, आप अपनी बात रखें। सुन पा रहे हैं आप आशुतोष जी? और करप्शन से घिरी हुई पार्टी है, इसमें जो भी पार्टी पे करप्शन जैसे कि नेशनल हेराल्ड का अभी मुद्दा आया कुछ टाइम पहले, केस चल रहा है राहुल गांधी और सोनिया गांधी, अगर कोर्ट का फैसला आता है तो शायद उनको जेल भी जाना पड़ सकता है और रॉबर्ट वाड्रा के भी काफ़ी इशू उठे थे जमीनों के मामले में, पैसे के मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में और उनका विदेशों में इन्वेस्टमेंट था। तो इस तरह की जो चीज़ें बाहर आ रही है, जनता देख रही है कि परिवारवाद ने अपने परिवार को ही भरा। रॉबर्ट वाड्रा एक छोटे से परिवार मुरादाबाद से एक्सपोर्टर थे, कहाँ से कहाँ वो पहुँच गए एकदम इतने थोड़े से समय में गांधी परिवार को ज्वाइन करते ही, जनता देख रही है। सुब्रमण्यम स्वामी जो भी कोई चीज़ निकाल के लाते हैं उसको जड़ से निकाल करके लाते हैं और बड़ा अच्छा उसको सामने पेश किया है
कांग्रेस के करप्शन को, परिवारवाद को, गतिविधियों को, सोनिया गांधी जी की नियुक्ति केवल राजीव गांधी के एसेसिनेशन के बाद भावनात्मक रूप में इनको कांग्रेस का वरिष्ठ नेता मान लिया था। अब 1991 से अब तक लगभग 31-31 साल का बहुत लंबा समय गुजर चुका है और अब आज सोशल मीडिया का टाइम बड़ा एक्टिव है, लोग सोशल मीडिया सोशल इंजीनियरिंग को भी प्रयोग कर रहे हैं और देख रहे हैं उनको दूध का दूध पानी का पानी होता नजर आ रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कांग्रेस का अभी सुशासित प्रदेश जिसको राजस्थान कहते हैं एक धार्मिक अवसर पर वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर पथराव किया गया और मुख्यमंत्री चुपचाप एक गैर स्पेक्टेटर म्यूट स्पेक्टेटर के रूप में सबको होते हुए देखते रहे, कोई विरोध नहीं करा। ये सब कांग्रेस की नीतियाँ जो देश के हिंदुत्व के लिए भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है और अभी तक जब भी हमने देखा इन्होंने माइनॉरिटी वर्ग को काफ़ी वो किया है, उत्साहित करा है। तो गलत नीतियों पर चिंतन मनन कीजिए और सत्ता को परिवार छोड़ दे तो बहुत अच्छा है, कांग्रेस पार्टी पुनर्जीवित हो सकती है ऐसा मेरा मानना है, नहीं तो कांग्रेस पार्टी का समय थोड़ा सा ही बचा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी पुनर्जीवित हो सकती है अगर नेतृत्व परिवर्तन कर ले, लेकिन अगर नहीं तो कांग्रेस के लिए बहुत कम समय बचा है। ठाकुर साहब, आपके लिए ये नसीहत दी है आशुतोष जी ने। और इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि आगे भी ये चुनाव नजदीक है, हिमाचल और गुजरात में तो चुनाव है ही, कर्नाटक में भी चुनाव है, किस तरीके की तैयारियां हैं आपकी वहां पर, क्योंकि दिखते नजर नहीं आ रहे हैं आप जमीन पर और आपको सोचना चाहिए कि एक क्षेत्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी जो है वो किस तरीके से खुद को सही साबित करने की, खुद को एक बार फिर से सत्ता मिलाने की कोशिश वहां पर जब कर रही है, तो वो पार्टी आज जिस तरीके से अपनी गतिविधियां लगातार चलाए हुए है, कांग्रेस को तो सबसे पहले करना चाहिए था। पांच राज्यों के चुनाव खत्म हुए, मोदी जी सीधे गुजरात चले गए, एक दिन कभी उन्होंने गैप नहीं दिया। अभी कांग्रेस पार्टी तो अपने चिंतन मनन कर रही है कि चुनाव में पार्टिसिपेट करना नहीं करना, किसको क्या करना क्या नहीं करना, कोई भी शीर्ष स्तर पे नेता आके होश में आएंगे तो क्या करेंगे। बिल्कुल, मैं आ रही हूँ आशुतोष जी आपके पास, ठाकुर साहब से मेरा ये सवाल था। ठाकुर साहब कांग्रेस अभी अपना संगठन चुनाव में है, इन्वॉल्व है, लेकिन साथ साथ इन्होंने ठीक कहा कि गुजरात में हमें अभी तक अपना धमाकेदार वहां पे जो है ये आना चाहिए था कि हम वहां पहुंच रहे हैं जैसे आम आदमी पार्टी पहुंची, तो ये हम लोग मंथन कर रहे हैं और इसके लिए चूंकि पांच राज्यों में जो आगे चुनाव होना है उस पर हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। दूसरा देखिए, जब कांग्रेस किसी भारत के वो भी जनता, आज माननीय मोदी जी हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहते हैं कि मुसलमान या हम लोग क्या है कि सेकुलर पार्टी हैं, तो हम लोग क्या तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। तो यदि किसी मुसलमान या किसी क्रिश्चियन पे कोई सितम होता है तो हम लोग यदि उसकी आवाज उठाएंगे तो लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं, वहां सेकुलर वाद को ये लोग देखना नहीं चाहते। लेकिन जहां मोदी जी सांप्रदायिक बात करते हैं, एक धर्म विशेष को लेकर के आगे चलते हैं, तो ये एक एलिगेशन लगाना ठीक है। हमारी अध्यक्ष सोनिया जी हैं और हम लोग उसके लिए प्रयास करने के देश में वो हमेशा रोटेशन होते रहे जैसे भारतीय जनता पार्टी में होता रहा है और कांग्रेस में भी पहले होते रहा नहीं हो रहा है। ठाकुर साहब दिक्कत ये है, रोटेशन नहीं हो रहा है कांग्रेस में, नहीं हो रहा है वही तो ठाकुर साहब, ऐसा लगता है कि कांग्रेस में कांग्रेस के नेतृत्व को समय की जो वैल्यू होती है उसका पता नहीं है, ऐसा कई बार लगता है। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपको सीखना चाहिए, जैसे ही पांच राज्यों में उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हुए वो सीधा गुजरात चले गए, उन्हें पता है गुजरात चले गए, बिल्कुल उन्हें पता है कि वो गुजरात उनको संभालना है, उनको एक बार फिर से वहां पर अपनी पार्टी लेकर आनी है और पिछले लंबे सालों से गुजरात में काबिज है बीजेपी, तो उनको अपनी साख कायम रखनी है, वो सीधा चले गए। आम आदमी पार्टी लगातार आप देखिए अहमदाबाद के दौरे पर, अभी भगवंत मान भी अब साथ जाने लगे हैं केजरीवाल के। कांग्रेस का अगर जिक्र करें तो एक भी रैली या एक भी दौरा ऐसा आया नहीं है कांग्रेस का, और अब आप कह रहे हैं संगठन चुनाव में कांग्रेस बिजी है। जब आपको पता था कि सोनिया गांधी को आप हटा सकते हैं, जब आपके पास मौका था उस समय फिर से उनको अध्यक्ष बना दिया गया, आप समय की वैल्यू क्यों नहीं समझ रहे हैं, गलत समय पर गलत निर्णय तो कांग्रेस की ये हाल कर रहा है। सांझी रणनीति सब समझ रहे हैं, लेकिन एयर कंडीशन बंगलों से, एयर कंडीशन कार से घर से बाहर कैसे निकल के आए, जो व्यक्ति कंफर्ट जोन छोड़ नहीं सकता तो उसे 42-45 डिग्री की धूप कहाँ बर्दाश्त होगी, वो इंतजार कर रहे हैं कुछ मौसम अच्छा हो तो घर से बाहर निकल के देखें, कुछ अभी तो बड़ी खुश्क हवा चल रही है, कुछ ठंडी हवा सुहाना मौसम हो तो जब घर से बाहर निकलेंगे जब चुनाव करेंगे।
चुनाव हार जाएंगे तो क्या, उनको हार जीत से मतलब नहीं है, चुनाव एक लड़ना, एक बेयर फॉर्मेलिटी। जैसे 403 सीटों पर यूपी में प्रियंका वड्रा जी ने कहा कि 33 साल के बाद पहली दफा सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, 403 सीट उत्तर प्रदेश की प्रचंड बहुमत से जीत की उन्होंने आशंका व्यक्त की, और क्या परिणाम हुआ। अब गुजरात में आप कह रही हैं इलेक्शन की बात कर रहे हैं हम, देखिए कहाँ 45-46 डिग्री का टेम्परेचर है, और घर में एयर कंडीशन में आप 18-20 डिग्री टेम्परेचर में बैठ रहे हैं, गर्मी का लू लग जाएगी, परेशानी होगी, कौन इसको बर्दाश्त करेगा। थोड़ा मौसम सुहाना हो जाए, भले ही इलेक्शन निकल जाए, कोई बात नहीं। यही तो वजह है कि अब जनता ने भी कांग्रेस को एयर कंडीशनर में बिठाना शुरू कर दिया है, बैठे रहिए आराम से अपने। जी जी जी, एयर कंडीशन में बैठना चाहते हैं, और कोई नहीं, भारत जनता के बीच में नहीं आना चाहते। बिल्कुल पाठक साहब जी हाँ, यही सवाल मेरा आपसे, हालांकि मैं ठाकुर साहब के पास एक बार फिर से जाऊंगी, लेकिन सवाल यही आपसे, वैल्यू कांग्रेस को समय की नहीं पता क्या? अगर पता रहता तो फिर ऐसा हार नहीं होता ना। देखिए अभी जो कांग्रेस पार्टी सेंट्रल सत्ता से कितने दिनों से दूर है, 7 या 8 सालों से उनके पास सत्ता, वो भी पूर्ण बहुमत की सत्ता। बीजेपी उस समय कमजोर हुई 2004 के बाद, और फिर वो आ नहीं पाई, और इनके पास सत्ता थी जो ये बने रह सकते थे, लेकिन इतने घोटाले, इतने इन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए जो इनको दुर्गति कर दी, और उसी का ये है कि ये आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ उन्हीं घोटालों का, और उनका उद्देश्य अलग था, लेकिन अन्ना को धोखा देके अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई, और उसको बढ़ाने में कांग्रेस पार्टी ही है। पहली बार हासिल किया कांग्रेस पार्टी के सहयोग से किया, तो कांग्रेस सब कुछ जानते हुए भी वो कार्ड एक नहीं कर रहे। देखिए अभी फ्रंट लाइन करके एक मैगजीन है हिंदू ग्रुप का, हिंदू जो न्यूज़पेपर है, उन्होंने इतना बढ़िया, शशि थरूर केरला कांग्रेस में जो समस्या चल रही है, वेटरन लीडर्स नाखुश दिख रहे हैं, उसके बारे में लिखा है। तो एक राज्य एक जगह समस्या नहीं है मुस्कान जी, हर राज्य की समस्या है। मैंने बताया ना कि आप देखिए यूपी के चुनाव ही आए, जो इतने चुनाव हुए कांग्रेस में, इतने लीडर हैं, आप पंजाब में ही मनीष तिवारी जी को देख लीजिए, अंबिका सोनी, ये सब कहां गायब हो गई, कोई पता ही नहीं चलता। 2014 तक जो शासन था यूपीए का कांग्रेस का, उसके बाद ये लोग कहां है। मनीष तिवारी जी को देखिए कितने अच्छे नेता, तो खबर ये आ रही है कि वो भी छोड़ के जाने वाले हैं। अश्विनी जी थे, वो भी छोड़ के चले गए। तो एक राज्य की समस्या हो तो मान लो, दो राज्य की समस्या हो तो मान लो, हर एक राज्य में इनकी वही समस्या दिख रही। तो इसके पीछे तो सबसे बड़ा कारण है, और वही पे हर बड़ा कारण के पीछे परिवारवाद आ रहा है, हाँ बेटा बेटी को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उससे आगे पार्टी निकल नहीं पा रही, संगठन मजबूत है। अभी देखिए इनकी, इन्होंने सदस्यता अभियान चलाया है, ये बीजेपी के लिए भी सोचने की बात है, करोड़ों लोग इनकी सदस्यता अभियान में जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, यानी कि लोगों को कहीं ना कहीं तो विश्वास है कि इतनी डिबेकल के बाद भी लोग उस सदस्यता अभियान में पार्टी में वो दिखा रहे हैं, लेकिन उस विश्वास पर कांग्रेस खरा नहीं उतर पा रही है, ये बहुत दुखद बात है। ठाकुर साहब मैं आ रही हूं जी, मैं पूछना चाहूंगा कि करोड़ों लोग कागजों पे जुड़ रहे हैं, वास्तव में जुड़ रहे हैं। अब देखिए इन्होंने ऑनलाइन के थ्रू, और ये मीडिया की रिपोर्ट है, मैंने कोई पर्सनल नहीं देखा है, इस पे ठाकुर साहब भी ज्यादा बता पाएंगे, मीडिया में जो रिपोर्ट छपी है कि ऑनलाइन के थ्रू भी लोग जुड़ रहे हैं और ऑफलाइन के थ्रू भी जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन की में ज्यादा संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। ठाकुर साहब बता दे दोनों ने सवाल किया आपसे। नहीं, निश्चित रूप से देखिए लोग जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन भी जुड़ रहे हैं, ऑफलाइन भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की सदस्यता अभियान काफी तेजी से चल रही है। आपने जो सर्वेश्वर भाई आपने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इस देश में क्या हर जगह वो लोग मौजूद हैं? एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद वो ली हुई है सोनिया गांधी जी, उसकी अंतरिम अध्यक्ष हैं, लेकिन अन्य जगह तो अन्य लोगों को काम कर रहे हैं, तो अन्य लोग भी काम कर रहे हैं। हाँ ये है खामियां कि कुछ कुछ लोग जैसे जिला अध्यक्ष है तो 20 साल से बने हुए हैं, 15 साल से बने हुए हैं,
ये सब सारी रिपोर्ट जो है अब वहाँ AICC में जा रहा है सब जगह एक एक अमूलचूल परिवर्तन करके बहुत ही जल्द पूरे देश में कांग्रेस जो है अपना एक नया आयाम लागू करेगा और देश में जो जितने भी कांग्रेसी हैं जनता की जितनी समस्याएं हैं उसको लेकर के अभी 2-3 महीने बाद सब कुछ आपको दिखेगा कि कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष के रूप में खड़ी है और आने वाले 2024 के चुनाव में अच्छे ढंग से हम लोग चुनाव लड़ेंगे ताकि एक अच्छे विपक्ष की सोच के साथ उतरेंगे और हम लोग हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है जनता के प्रति जहां जहां जनता का निरादर हो रहा है जनता का सम्मान नहीं हो रहा हम लोग उसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो एक अच्छा संगठन में बहुत कुछ अभी फेरबदल होने वाला है आपको दिखेगा। और चुनाव से पहले तैयारी भी होती है ठाकुर साहब? तैयारी चल रही है मुस्कान जी, तैयारी चल रही है लेकिन संगठन में भी हम लोग जो है आपस में कहां क्या किसको बैठाना कहां क्या कर हो रहा है। सोनिया गांधी जी एक जगह से चुनाव लड़ेंगी, प्रियंका जी एक जगह से चुनाव लड़ेंगे, राहुल मात्र 3 जगह वो लोग पूरे परिवार के लोग लड़ेंगे। पूरे देश में जो है 543 लोकसभा है, ऐसा नहीं है कि केवल वही लोग करेंगे। ये सब देखिए लोगों को भरमाने की बात है, ठीक है ये सही कह आप सदस्य भाई भी आप भी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज होना चाहिए तो वो इस बार दिखेगा निश्चित रूप से। कांग्रेस में एक अच्छा परिवर्तन होगा और देश के लिए अच्छी सोच के साथ कांग्रेस आएगी। ठीक है, देखना होगा कि अच्छी सोच कांग्रेस की कितनी अच्छी होती है। आशुतोष जी समय की कमी है मेरे पास, मात्र 3 सेकंड में आप अपनी बात पूरी करिएगा, आखिरी कमेंट आपका। मुस्कान जी मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि एयर कंडीशन कमरों में बैठकर कोई तैयारी नहीं होती, कथनी और करनी में लोग जनता आज वास्तविकता को देखना चाहती है कि आप जो कह रहे हैं उसको वास्तविकता में बदल पा रहे नहीं बदल पा रहे। काफी जनता को समय हो गया इस तरह के जुमले सुनते सुनते, जनता इस तरह से पार्टी को धीरे धीरे नकारती जा रही है। और जो करोड़ों संख्या की बात कर रहे हैं, करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से जुड़ रहे हैं, कागजों पर जुड़ रहे हैं, वास्तविकता में मुझे जुड़ते कहीं भी नजर नहीं आ रहे। मैं भी लोगों से मिलता जुलता हूं, बातचीत करता हूं, जनता के बीच में जाता हूं, उनकी जनता के विचार को सुनता हूं कि ऐसा कहीं कोई लहर नजर नहीं आ रही कि कांग्रेस के साथ करोड़ों लोग जुड़ते नजर आ रहे हैं। ठीक है, समय बात बढ़ाने के लिए आपका कुछ भी कहने की इतनी इजाजत देता है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में अब आत्ममंथन का दौर हालांकि कुछ शुरू हुआ है क्योंकि संगठन चुनाव नजदीक है और इसलिए सदस्यता अभियान भी कांग्रेस का शुरू है, और देखना होगा कि अब ये बदलाव क्या इस बार कांग्रेस में होगा, और अगर बदलाव होता है तो आगामी चुनावों में जो अब आने वाले राज्यों में चुनाव है उसमें कितना असर इस बदलाव का चुनावों में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे NB News। नमस्कार।